गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर अंशुल सहगल, मेडिकल डायरेक्टर संभावना हॉस्पिटल फतेहाबाद, आप सबको आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं देते हुए आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा। जैसा कि हम इन दिनों में हम मानसून का आनंद ले रहे हैं, मानसून हमारे देश में इस वक्त अपने पीक पर है और हमें अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बारिश के बाद पानी का इकट्ठा होना मच्छरों को जन्म देता है और उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें बारिश का जो भी पानी है उसको अपने आसपास कहीं भी खड़ा ना होने दें, हमें अपने आप अपने लेवल पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ये प्रयास करने हैं कि पानी की जो ड्रेनेज है वो बहुत सही हो जाए। इन्हीं मानसून के पीरियड में जैसे कि हम अगर फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, मार्केट का खाना अगर हम रेडी पे और फूड पॉइंट्स पे खा रहे हैं और अगर वहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है तो पीलिया की समस्या भी बहुत देखी जा रही है। बेटर है कि आप घर के या आपके मोहल्ले के जो भी चीजें हैं जिनका आप इंजॉय करना चाहते हैं उनको या तो वो घर पे ही आप उनको कुक करें या फिर जहाँ भी आप खा रहे हैं वहाँ इस चीज का ध्यान रखा जाए ताकि आप पीलिया से बच सकें। आजकल का जो वेदर है वो हमारे जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि इनके अस्थमा के अटैक ह्यूमिडिटी एयर में होने की वजह से बढ़ सकते हैं। तो अस्थमा पेशेंट्स अपने इनहेलर टाइम पे लेते रहें। सारे भी क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट जो भी हैं वो अपनी अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू रखें। इसी वेदर में एक सबसे बड़ी समस्या जो हम नॉर्मली देखते हैं फॉल की है कि पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट हैं, जैसे कि हमारे आसपास कीचड़ है या गीलापन है तो स्लिप कर जाते हैं और ओल्ड एज में बोन्स वीक होने की वजह से ये फ्रैक्चर वगैरह के केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ जगहों पे बाइक्स का स्लिप होना ये केसेस हैं। तो अब आपने इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने मोहल्ले का, इसी तरह करते करते हम एक स्वस्थ समाज तभी बना पाएंगे। आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें और मौसम का एंजॉय करने के साथ साथ अपनी पूरी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए पूरी प्रिकॉशंस हैं। तो मैं ये एज ए मेडिकल डायरेक्टर आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने सिम्टम्स को कभी भी लाइटली ना लें और ओवर मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या होता है कि जैसे ही फीवर डे वन होता है हम अपने घर पे ही एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी ना करें। ओवर मेडिकेशन भी ठीक नहीं है, आप जो भी दवा लेते हैं डॉक्टर की सलाह से लें। इस मौसम में सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को जो ध्यान देने की जरूरत है दें, पानी खूब पिए और अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसमें जो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।